मैनपुरी में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश यादव मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत, 2.5 लाख का आंकड़ा पार, किस तरीके से देखते हैं आप इस जीत को? सबसे पहले तो मैनपुरी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैनपुरी के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की सच्ची श्रद्धांजलि है नेताजी को, और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा मैनपुरी की जनता को, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति को ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक इस चुनाव के परिणाम का है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत होगी। इस जीत ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को एक नई ऊर्जा दी है, और मुझे उम्मीद है कि 2024 का ये संदेश भी इस लोकसभा ने दिया है। सर, आज मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार मैनपुरी के गढ़ में भाजपा का कमल खेलेगा, लेकिन जिस तरीके से जनता ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे इस जनता को, मैनपुरी की जनता को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी गढ़ नहीं कहा, नेताजी या समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा को और आसपास के क्षेत्र को अपना घर माना है। नेताजी का रिश्ता मैनपुरी की जनता से बहुत पुराना रहा है, उनके लोगों के बीच में रहना, आना जाना, दुख सुख में शामिल होना, तो नेताजी का गढ़ नहीं है, नेताजी का परिवार है, और परिवार के लोग समय समय पर नेताजी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि नकारात्मक राजनीति की, प्रशासन का दबाव बनाया, ऐसा हमारा जिम्मेदार कार्यकर्ता कोई नहीं रहा जिसको पुलिस प्रशासन ने परेशान न किया हो। यहाँ तक कि यहाँ के अधिकारी जो प्रधान थे, उनको डरा धमका रहे थे कि अगर वोट नहीं डालोगे बीजेपी के लिए तो तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि प्रशासन ने कितना भी दबाव बनाया, लेकिन जनता ने और सब ने मिल करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सर, पूरा यादव परिवार जो था, या कहें पूरा कुनबा जो था, वो एक साथ इस जीत दिलाने में लगा रहा, और आज शिवपाल यादव जी का भी इस पार्टी में पूरा विलय हो गया, बसपा का भी विलय हो गया, तो उसको लेकर आप? ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमारा गांव है, ये घर हमारा इस लोकसभा में आता है, और घर के रहने की वजह से बाई इलेक्शन था, नेताजी नहीं है हमारे बीच में, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि जनता के बीच में जाएं, और जनता ने जो प्यार नेताजी के प्रति दिखाया, मैं समझता हूँ इतना प्यार, सम्मान, जुड़ाव कभी किसी नेता के प्रति नहीं रहा होगा जो दिखाई दिया था। इसलिए हम सब ने मिल करके और जितनी कोशिश थी, ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जाएं और वोट मांगें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश रही पहुँचने की, पूरे परिवार के लोग पहुँचे, हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुँचे, और उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि आज सबसे बड़ी जीत मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी को दिलाई है। अखिलेश जी, आखिरी सवाल, रामपुर को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले आंकड़े ऊपर जा रहे थे, रुझान जो था वो सपा के फेवर में आ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से भाजपा ने वहाँ पे अपना परचम फैला दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही हुआ है, मतलब सही फैसला आया है जनता? मुझे दुख है इस बात का कि तमाम शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने वो कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। जिस समय मैं रैली करने पहुँचा हूँ, मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि कोई रास्ता ऐसा नहीं था जहां पर पुलिस बड़ी तैयारी से न खड़ी हो, और पुलिस इसलिए सुरक्षा के लिए नहीं लगी थी, पुलिस लगी हुई थी कि जनता उस कार्यक्रम में न पहुंच पाए, कार्यक्रम में शामिल न हो पाए। आदरणीय आजम खान साहब ने समय समय पर कहा, और चुनाव के दौरान हम लोगों ने आज के समय के हिसाब से जो हम लोगों को वीडियोज़ मिले, उनको सोशल प्लेटफॉर्म पर जितने भी माध्यम थे उनके माध्यम से इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। लेकिन दुख इस बात का है, इतना बड़ा, इतने तरीके से प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के आदरणीय आजम खान साहब को हराया है, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप रहा। इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना चाहिए कि इस चुनाव को रद्द कर दें, और रद्द इसलिए करें क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, और खासकर बाई इलेक्शन जो एमपी का हुआ उसमें, और अभी जो विधानसभा हुए, जानबूझ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को घर से नहीं निकलने दिए, ऐसे वीडियो जहां उनकी पिटाई हुई, ऐसे वीडियो जो घर परिवार के लोगों को रोका गया, उन्हें दौड़ाया गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए, कईयों की चोटें आईं, बहुत सी महिलाएँ अपमानित हुई हैं। अगर लोकतंत्र में सरकार के इशारे पर प्रशासन ऐसा करेगा तो हमारा संविधान कितना सुरक्षित रहेगा।
से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे अखिलेश यादव। उनका साफ कहना था कि ये जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, ये पूरे परिवार के साथ साथ जनता की है। कैमरा पर्सन शैलेन्द्र पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।